नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभाव्या दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन 31 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के बाद उनका परिवार और उनके फैंस काफी भावुक हो गए। ये उनकी आखिरी फिल्म थी जिसे पूरा करने से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद ऋषि कपूर यानी चिंटू जी के बड़े भाई रणधीर कपूर ने क्या प्रतिक्रिया दी। रणबीर ने बताया कि शर्मा जी नमकीन को देखने के बाद वो ऋषि कपूर से फोन पर बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर को कॉल करना चाहिए, हमें उसके काम की तारीफ करनी चाहिए। गौरतलब है कि ऋषि कपूर को इस दुनिया से गए हुए अब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन रणधीर अपने भाइयों ऋषि और राजीव के निधन के बाद से टूट चुके हैं। वह अपने भाइयों से बेहद प्यार करते थे, इस बात को वो खुद भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब उन्हें ज्यादातर बातें याद नहीं रहती हैं। रणबीर कपूर ने बताया कि उन्हें डिमेंशिया नाम की बीमारी है। वो इस बीमारी की शुरुआती स्टेज पर हैं, जिसमें उन्हें ज्यादातर बातें याद नहीं रहती हैं। वो फिल्म देखने के बाद ऋषि से बात करना चाहते थे क्योंकि उन्हें याद नहीं है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि रणधीर कपूर ने हंसते हुए रणबीर की बात से इंकार कर दिया। उनका कहना है कि रणबीर तो कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सही हूं, मुझे बस कुछ समय पहले कोरोना हुआ था। इसके अलावा रणधीर ने ऋषि कपूर की एक्टिंग की भी तारीफें की। साल 2020 में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ उनकी को डांसर द्वारा दाखिल किए गए यौन उत्पीड़न के केस की चार्जशीट अब फाइनल कर दी गई है। को डांसर ने गणेश आचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने और परेशान करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी गणेश आचार्य पर ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं, वो भी उनकी को डांसर ने ही लगाए थे। हालांकि उस केस में आचार्य ने साफ इंकार कर दिया था। उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि सारे आरोप झूठे और तर्कहीन हैं। इसके बाद आचार्य ने उल्टा अपनी को डांसर पर ही मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। 2020 में जिस को डांसर ने केस किया था, उसका कहना था कि गणेश आचार्य उनके ऊपर संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करते थे। उनके इंकार करने पर आचार्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पठान की शूटिंग खत्म करके वापस भारत लौटे शाहरुख खान अब बहुत जल्दी अपनी अगली फिल्म एटली में बिजी होने वाले हैं। अगले साल से ही एटली की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुंबई में होने वाली 10 दिन की शूटिंग में नयनतारा भी SRK के साथ काम करेंगी। बॉलीवुड से हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मां बनी है। इस साल की शुरुआत में प्रियंका और निक जोनस सरोगेसी के जरिए माता पिता बने हैं। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा अपनी नातिन को लेकर काफी खुश हैं, लेकिन अभी तक उसे गोद में नहीं उठा पाई हैं। ई टाइम्स के साथ लाइव सेशन में नानी मधु चोपड़ा ने बताया कि वो अपनी नातिन से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और COVID-19 स्थिति के कारण वो लॉस एंजलिस में प्रियंका और उनकी बेटी से मिलने नहीं जा सके। मधु चोपड़ा ने अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि वो काफी समय से नानी बनने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो एक पल के लिए भी बच्चे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रियंका और अपने बेटे की याद नहीं आती, बल्कि मुझे उस नन्ही सी बच्ची का ख्याल रहता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से टीवी जगत में अपनी खुद की पहचान बना चुकी मोनालिसा की खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के पूरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोस को शेयर करती रहती हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वैनिटी वैन में डांस करती हुई दिख रही हैं। वो अक्षय कुमार की आई फिल्म खिलाड़ी 786 के फेमस गाने हुक्का बार पर मस्ती से झूमती दिख रही हैं। इस वीडियो को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा है कि ब्रेक के दौरान जब सचिन मेकअप आर्टिस्ट अचानक से इस गाने को बजाता है, लज भूल के मैं खुद को नाचने से रोक नहीं पाती। शूट के दौरान बनाई इस वीडियो में उन्होंने डार्क ग्रीन कलर का फ्लोरल प्रिंट का फ्लेयर टॉप और नीचे बेल बॉटम जीन्स पहनी है। वीडियो अब तक 10,000 से ज्यादा लाइक आ चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।